आप चाहते हैं आपका व्यापार अखंड चले, आपके परिवार में अखंडता रहे, आपके जीवन की हर इच्छा आपके मन से पूरी हो, इसके लिए आप महीने में सिर्फ एक दिन जो आपके लिए अखंड तारीख बन के आता है, उस तारीख को यदि हम याद करते हैं, उस तारीख पर हम यदि भक्तामर का पाठ करते हैं, एक दीप लगाते हैं, तो मुझे विश्वास है यह अखंड तारीख आपके लिए अखंड तारीफ बन सकती है, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति कर सकती है। तो वह अखंड तारीख महीने में कौन सी आती है? 9 तारीख। हर महीने की 9 तारीख आपको अखंडता की याद दिलाती है। जब जब भी कोई बच्चा संसार में पैदा होता है, 9 महीने के बाद पैदा होता है, यही भावना लेके पैदा होता है कि ये प्रभु मैं 9 महीने के बाद आया हूँ, मैं भी अखंड पद को पा सकूँ। इसके बाद जब कोई व्यक्ति मंदिर जाता है, वहाँ पर भी वह नव देवताओं के दर्शन करता है। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य और जिन चैत्यालय। जब व्यक्ति के जीवन में कष्ट आते हैं, परेशानी आती है, नवग्रहों से ग्रसित हो जाता है, नवग्रह उसके पीछे पड़ जाते हैं, नवग्रहों से छुटकारा पाने के लिए 1 तारीख है 9 तारीख। इस तारीख को यदि हम एक बार भक्तामर का पाठ करें और एक दीप लगा के इसी भावना के साथ करें कि हे आदिनाथ, आपने 9वीं को जन्म लिया, हे राम महापुरुष, आपने 9वीं के दिन जन्म लिया, जिसने 9वीं के दिन जन्म लिया है वही इस धरती का महापुरुष दिव्य शक्ति हुआ है। तो मैं चाहता हूँ, यदि आप चाहते हो कि आप दिव्य शक्ति को प्राप्त कर सकें, आपके जीवन में अखंडता बनी रहे। आज परिवार बिखरा हुआ है, भाई भाई से बात नहीं करता है, परिवार के 4 सदस्य चारों दिशाओं में बैठे हैं, एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते हैं। एक बात मेरी मानिए, सिर्फ हर महीने की 9 तारीख पूरा परिवार बैठे, एक दीप लगाइए बस। यह एक दीपक आपके लिए आपके परिवार का कुल दीपक बन सकता है और आपकी जीवन की सारी परेशानी को हर सकता है। अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय की पद्धति के साथ यह भक्तांबर हर महीने के 9 तारीख। जैसे आज हिंदू धर्म हर मंगलवार को चालीसा करता है, मुस्लिम परंपरा हर शुक्रवार को रोजा करती है, सिख परंपरा हर गुरुवार को गुरु नानक को याद करती है, ईसाई परंपरा हर संडे को एक कैंडल समर्पित करती है, क्यों ना हम भी हर महीने की 9 तारीख को एक दीप लगा के भक्तांबर की आराधना करें, जिससे कैलेंडर में भी भक्तांबर उपासना के नाम से 9 तारीख जन जन तक सारी दुनिया तक फेमस हो जाए और आप सभी को अखंड पद की प्राप्ति हो। मुझे विश्वास है आप सभी 9 तारीख को एक दीप लगाएंगे। 9 अक्टूबर यह दुनिया का सबसे बड़ा दिन होगा, जिस समय लाखों करोड़ों लोग एक साथ 48,000 मीटर कपड़े को आकाश में फहराता हुआ देखेंगे। वह दृश्य भी आपके बीच में मुंबई से होगा। आप जुड़े, जिनके घरों में परेशानी है, दुखी हैं, कष्ट हैं, रोज़ तो भक्तामर करते हैं मुझे मालूम है, रोज दीप लगाते हो मुझे मालूम है, लेकिन दीपावली के दिन दीप लगाने का प्रभाव कुछ अलग होता है और 9 तारीख को भक्तामर करके दीप लगाने का प्रभाव मुझे लगता है सबसे अखंड होगा और आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ति करने वाला होगा। तो विश्वास है यदि आपने दीप लगाया है तो जो चैनल चल रहा है भक्तामर वाले बाबा, इस यूट्यूब चैनल पर आप पहुँचाइए, हम आपके दीपक को पूरे परिवार के साथ चैनल पर दिखाएंगे, जैसे सारी दुनिया को पता चल जाए इस घर में भी भक्तांबर की आराधना होती है। घर घर भक्तांबर और हर घर भक्तांबर, ऐसी भावना के साथ मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है आप जुड़ेंगे, जुड़ेंगे ना, बिल्कुल मुझे विश्वास है। इसी भावना के साथ सभी भक्तों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद।